कोरोना के साथ सुन चाहे मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी 2009 या 10 में मैं कभी मिली नहीं गुरु जी से, बट मेरे मम्मा बहुत मानते थे. फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट गुरु जी वॉज माय मासी गॉट डायग्नोज विद कैंसर. मेरे मम्मा ने बोला उनका ऑपरेशन हुआ, आई थिंक इट वॉज स्टेज 3 ऑपरेशन हुआ. मम्मा ने बोला दीदी आप मेरे साथ गुरु जी के मंदिर चलोगे माथा टेकने? तो मासी ने बोला ठीक है चल लूँगी. जिस दिन जाना था उस दिन इतना पेन कि मासी को कोई पकड़ के लेकर आया गाड़ी में. मम्मा ने कहा नहीं दीदी कोई बात नहीं आप लेट जाओ गाड़ी में, मैं आगे बैठ जाऊँगी, आप प्लीज़ मंदिर ज़रूर चलो. पूरे रास्ते पेन में रोते रोते मासी गई एंड मम्मा की आंखों देखी बात है शी केम बैक एब्सोल्युटली फाइन लाइक नो पेन नथिंग. कहते हैं कि मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ दर्द भी था. आई केम बैक एब्सोल्युटली फाइन. मेरी और फैमिली माननी शुरू हुई. बट जब आपका वक्त आता है ना तभी गुरु जी से कनेक्ट होते हो. तो मैं 2009 से सुन रही हूँ मम्मा मंदिर चलेगी चलो मम्मा, बट कभी कनेक्शन नहीं था. सुनती रहती थी. बड़े मंदिर भी गई डुगरी भी गई तो वहाँ से बोलते प्रसाद पूरा खाना है. फर्स्ट टाइम गई चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिला. मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खा सकती थी और मेरे समोसे में 3 बड़ी बड़ी लाल मिर्चें. तो मेरी पूरी फैमिली थी साथ. मैंने बोला मैं तो नहीं खा सकती मम्मा आप रख लो. तो वहाँ सब बोलने लगे ऐसे नहीं होता खाना पड़ेगा. तो सॉरी गुरु जी मेरे मुँह की बोलने की बात है कि ये क्या मंदिर में बैठ के ऐसे मैं नहीं खा सकती, मुझे उल्टी आ जाएगी, मैं तो नहीं खाऊंगी और मैं आज के बाद मंदिर में नहीं आऊंगी, आप लोगों ने इतना मेरा मूड खराब कर दिया. चलो फिर भी मम्मी कह रही चल बेटा कोई बात नहीं डुगरी चल रहे माथा टेक रहे. जाती गई मैं मेलबर्न आ गई. आज देखती हूँ तो आई डोंट नो हाउ मेरे शादी के सारे फंक्शंस पे गुरु जी का स्वरूप है, हर फोटो में है. जब मैं यहाँ आ गई पता नहीं एकदम से फेसबुक पे तब सत्संग लाइव होने लग गए, मैं सुनने लग गई. मैंने मांग लिया कि गुरु जी ये मेरा एक काम करवा दो तो मैं ना आपका स्वरूप ले आऊँगी घर पे. एंड वो हो गया. मैंने अपनी मम्मा को बताया मम्मा अब मुँह की बोली हुई बात है मांगना नहीं चाहिए बट बच्चे हैं मांग लिया तो आप ना जितना छोटा स्वरूप हो सके गुरु जी का उतना छोटा भेज देना. मम्मा ने भेज दिया. मैंने स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया गुरु जी का. ठीक है आप हो जय गुरु जी. मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी. जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए मैंने कहा यार मतलब मन में एक सवाल आया कि मैं तो ओम साई राम बोलती हूँ मैं कैसे बार बार जय गुरु जी बोलूँ. आगे मेरे मन में ये सवाल था और सामने सत्संग में यही चल रहा था कि लोग तो बोलेंगे मैं साईं बाबा जी को मानती हूँ मैं कैसे जय गुरु जी बोलूँ. मैंने कहा नहीं ये इत्तेफाक है. बट इट केप्ट हैपनिंग. बहुत छोटी छोटी चीज़ों से गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं. आई नेवर लुक्ड बैक. मतलब ऐसा नहीं है मुश्किलें नहीं आती, ऑफकोर्स आती हैं, बट ही गिव्स यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कि यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. जो भी आएगा गुरु जी संभाल लेंगे. खुशी है तो थैंक यू गुरु जी, कुछ डर है तो गुरु जी आप संभाल लेना इसमें कुछ अच्छा ही होगा. मेरी परमानेंट रेजिडेंसी आनी थी, कोविड हिट, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो गया. एंड आई सेड ओके विक्टोरिया में तो नहीं होगा, ऑल माय टेस्ट आर गेटिंग एक्सपायर्ड, लेट्स जस्ट शिफ्ट. आई प्लान टू मूव फ्रॉम विक्टोरिया एंड 2 हफ्ते रह गए थे मेरे रिजल्ट्स एक्सपायर होने में. एंड गुरु जी हैड प्लान्ड अ टाइमलाइन वेरी इजिली. मतलब बहुत लोग मेरे से पहले से बैठे थे, किसी का कुछ नहीं हुआ. मेरे आई डोंट नो हाउ आई गॉट माय इनवाइट. एंड जिस दिन मेरी परमानेंट रेजिडेंसी आई है वन ऑफ माय फ्रेंड्स हुज इन द मंदिर, मैं नाम नहीं लूंगी, शी कॉल्ड मी कि किशु तू मंदिर चले जा माथा टेकने, देखो मैसेज आया है. मैंने कहा लेट मी टेल यू क्यों आया है. मेरा आज ही पीआर आया था, वाई गुरु जी कॉल्ड मी. मेरे सपने में भी बहुत बारी आए गुरु जी आए. सुबह 4 बजे से बच्चे को कोई प्यार करता है एंड आई फेल्ट हिज प्रेजेंस. में एकदम उठ गई और मेरे सपने में गुरु जी थे एंड आई नो ही वॉज देयर, ही वॉज गिविंग मी हिज ब्लेसिंग्स. मैं बोलती थी गुरु जी मुझे भी मौका दो सत्संग कराने का. आई थिंक लास्ट अक्टूबर कुछ महीनों पहले में मैंने अपना सत्संग किया एंड मुझे ना गुरु जी का ये येलो स्वरूप से कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. तो मैं
येलो 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 कि मैं कपड़े भी येलो पहनूंगी, मुझे दरबार भी येलो चाहिए, मुझे फूल भी येलो चाहिए, सब येलो हो गया, मुझे फूल नहीं मिले येलो। मैंने आप पे भी पूछा कि अगर येलो मिल जाएंगे, नहीं हुए, ठीक है, बट बहुत सुंदर था सब। मैं आई, मैंने आँख बंद करी, मैं बैठ गई, मैंने आँख खोली, सामने कोई येलो रोजेस लेके आया हुआ। लाइक आई नो सब बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, बट नहीं, ये गुरु जी की प्रेजेंस थी। ये टोल्ड मी तो येलो येलो करी थी ना, ये ले आगे तेरा येलो रोजेस। ही इज गॉड, ही इज एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू। आप बस सोचते हो गुरु जी पूरा कर देते हैं। आज मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है, मैंने बस सोचा था कि गुरु जी मेरी पीआर आ गई है, मैं टीचर हूँ बट आई वांट टू गेट बैक इनटू अकाउंटिंग, तो ना नए साल में मैं वापस अकाउंटिंग में जाना चाहती हूँ, मैं इंडिया चली गई। मैंने कहा यार, अब मैं अभी 2 हफ्ते पहले आई हूँ, तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी 2 महीने तो लग जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे लग जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे 3 इंटरव्यूज हो गए और कल मेरे हाथ में न्यू जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है विच स्टार्ट्स इन जनवरी। अब इट्स ऑल गुरु जी, आई नेवर थॉट कि ऐसे भी होता है, आप बस सोचो और गुरु जी पूरा कर देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अ लॉट गुरु जी, सीरियसली थैंक यू। जय गुरु जी।